सर ये कौन सी मशीन है, इसके बारे में जरा डिटेल में बताएं। ये इम्पैक्ट पल्वराइजर है हमारा श्री कृष्णा ब्रांड का, हम लोग का 60 साल पुराना काम है। जैसा कि आप लोग सब देख सकते हैं ये फुल्ली कास्टेड बॉडी में, कास्टिंग का मतलब होता है ढलाई के लोहे से बना हुआ, इतनी हैवी ड्यूटी बॉडी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये फुल्ली कास्ट आयरन बॉडी में है जिससे कि मशीन हैवी होती है, एक सांचे में ढली है, टूटती फूटती नहीं है और ठंडा पिसाई होता है, क्योंकि कास्ट आयरन में हम लोग का हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। जैसे इंजन होते हैं गाड़ियों के, वो भी कास्टिंग के इस्तेमाल होते हैं, इसी कारण से वाइब्रेशन कम होता है, बेयरिंग की लाइफ ज़्यादा रहती है। और इसका हम लोग काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, हल्दी पिसाई, बेसन पिसाई, उड़द दाल पीसने के लिए, कोयला पीसने के लिए, लकड़ी का बुरादा है, इसी तरीके से मिनरल लाइन पत्थर, लाइम स्टोन, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें, अनगिनत चीज़ें हैं जो इससे पीसी जा सकती है। मेहंदी का पाउडर पीसते हैं, जड़ी बूटियाँ पीसते हैं, चावल का आटा बनाते हैं इससे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पीसा जा सकता है। अच्छा, अब ज़रा इसके एक बार कैसे इसका प्रोसेसिंग होता है, काम करता है वो बताएंगे, मटेरियल कहाँ से डालते हैं, आउटपुट वगैरह कैसे आता है। क्योंकि ये इसका हॉपर है, यहाँ पर आपको भर देना है दाल हल्दी जो भी है, इसके अंदर आपको फीडिंग कर देनी है। उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स सिस्टम होता है, उधर से आगे देखेंगे, ये हमारा गियर बॉक्स है जिससे आपको चाल सेट करने में आसानी होती है कि कितना दाल कितना मिनट में या कितना घंटे में, बेसन हल्दी जो भी पाउडर है कोयला है वो अंदर कितना जाना है। उसके बाद में ये बॉडी को फुल्ली कास्टेड फीडर बॉडी कहते हैं, ये यहाँ से एक रास्ता है मशीन के चेंबर में जाने के लिए, इस बॉडी को ग्राइंडिंग चेंबर कहते हैं, ये भी पूरा कास्ट आयरन का है। सबसे नीचे ये हमारी बेस प्लेट होती है जो फुल्ली कास्टेड बेस प्लेट है। उसके बाद में हमारा ये कोन सेक्शन आता है, विजर कोन, जिसमें नाइफ या चाकू कहते हैं जिसको, क्लासीफायर का काम करता है। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि हमको कितना महीन या कितना मोटा पाउडर चाहिए। उसके बाद ये ब्लोअर बॉडी है, ये भी फुल्ली कास्ट आयरन में है, यहाँ पे पिसा हुआ पाउडर हवा में उड़ा के साइक्लोन टैंक में डाल दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे हाउसिंग बेयरिंग हैवी ड्यूटी कास्ट आयरन का है, पुली भी सब इंडक्शन कास्टिंग की है हैवी ड्यूटी में, तो कुल मिला के बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है ये। इसके अलावा जो है कई जगहों पर मेंटेनेंस के लिए, जैसे ये आपका ब्लोअर पार्ट के मेंटेनेंस के लिए विंडो दिया गया है, इसी तरीके से आपका यहाँ पर फीडर का हॉपर के मेंटेनेंस के लिए दिया गया हुआ है। ये एक्स्ट्रा वॉल्व होते हैं फीड को कंट्रोल करने के लिए, एयर कंट्रोल करने के लिए ये वॉल्व दिया जाता है, ऊपर आप देख सकते हैं, अंदर से भी आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं कितना हैवी चेंबर है, दो लोग पूरी ताकत से हटाते हैं इस चेंबर को। इसके अंदर ये ग्राइंडिंग चेंबर है, ये हमारी लाइनर होते हैं दांत वाले कास्टिंग के, इस चीज़ को हम लोग हैमर या बीटर कहते हैं जो मेन पिसाई करता है। ये सर्कल में जो चीज़ है इसको पूरा रोटर बॉडी कहते हैं। शाफ्ट के दूसरे कोने में आपको दिख रहा है ये चाकू या नाइफ कहलाता है, और इसके और दूसरी तरफ फैन के ब्लेड हैं जो यहाँ से आपको दिखेंगे ये लगे हुए। पूरी मशीन में ये जो लाइनर लगे हुए हैं बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से नट बोल्ट से, पूरी मशीन में आप देखेंगे लगा हुआ है सारी साइडों में। इस तरीके से मशीन अंदर से काम करती है। उसके बाद में बहुत सारी पाइपलाइन रहती है जिससे कि हम साइक्लोन टैंक में डालते हैं, साइक्लोन बाहर दिखाता हूँ आपको। पिछले 65 साल से ये काम कर रहे हैं, सबसे मशीन हमारी इंडिया में ड्यूरेबल और हैवी ड्यूटी है। हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम मार्केट से बेटर रिजल्ट देते हैं। इस सब चीज़ों के अलावा ये सब पाइपलाइन है, ये ब्लोअर का फाउंडेशन कहलाता है या ब्लोअर का कन्वर्टर कहलाता है,
जो हमारी हवा को ऊपर के तरफ डायरेक्शन देता है। इसके ऊपर ब्लोअर का ये पाइप आता है, ये ब्लोअर का पाइप आता है, पाइप के ऊपर ये बैंड आता है 90 डिग्री का। इस बैंड के बाद में ये साइक्लोन आता है, ये साइक्लोन टैंक है, आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है। ये हमारी मीडियम रेंज की मशीन है और इसको जो है हम लोग के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना बड़ा बनाया जाता है कि एयर का प्रेशर कहीं से भी बैक ना आए, कोई रिवर्स ना मारे। साइक्लोन के बाद में ये हमारा रिटर्न एयर का फुल बैंड या रिटर्न बैंड कहा जाता है, जिससे हम लोग मशीन के अंदर एयर वापस लेते हैं। और ये फाइनली हमारा डस्ट कलेक्टर है, जिसमें कपड़े के थैले या क्लॉथ बैग्स, फिल्टर क्लॉथ बैग्स लगते हैं एयर को डिस्चार्ज करने के लिए। इस पूरे सिस्टम के साथ में मशीन के अंदर सुपर फाइन ग्राइंडिंग होती है और टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। जब यही लोग बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मशीनें बनाते हैं तो इस मशीन में आपका एयर का प्रेशर गड़बड़ होने के कारण ज़्यादा हीट होता है पाउडर, और बैक प्रेशर के कारण प्रोडक्शन कम आता है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसी सप्लाई में हम लोग ये नीचे का चैनल फ्रेम देते हैं। इस हैवी ड्यूटी चैनल के ऊपर ये सुपर हैवी मशीन बैठती है एक साइड में, दूसरे साइड में यहाँ पर मोटर आती है। इस मोटर की पुली, बेल्ट और मोटर एडजस्टिंग की रेलिंग भी हम लोग देते हैं। ये सारे एंटी वाइब्रेशन पैड्स हैं, एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग्स कहा जाता है इनको। इस पे मशीन रखने के बाद में हमारा दावा है कि आप एक सिक्का रख दीजिए मशीन के ऊपर, चलते वक्त वो सिक्का नीचे नहीं गिरेगा। अब मैं आप लोग से, अगर आपको कुछ जानना हो तो आप बताइए। एक मशीन में कैटेगरी है एसेंशियल एसेस की आपने निकाली है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एसेंशियल एसेस में आप क्या देते हैं। और एसएस 304 का इस्तेमाल होता है, कोई भी फूड ग्रेड या फार्मा ग्रेड में हम लोग जब मशीनें देते हैं 304 ग्रेड ही इस्तेमाल करना चाहिए। काफ़ी मैन्युफैक्चरर धोखा देते हुए, गलत काम करते हुए, कुछ जानबूझ के और कुछ नॉलेज ना होने के कारण एसएस 202 सप्लाई कर देते हैं, जो कि सस्ता तो है मगर उसकी क्वालिटी अप्रूव्ड नहीं है, ना ही FSSAI से, ना ही किसी भी मार्किंग से। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एसेंशियल एसएस 304 का प्लांट लेते हैं तो उसमें शुरुआत में ये हॉपर एसएस का हो जाता है, फिर अंदर जितना भी मैंने आप लोग को बताया, ये बॉडी के साइड में लाइनिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पर और यहाँ पर, बॉडी की जितनी भी लाइनिंग है साइड की, ये सब एसएस की लग जाती हैं। ये जो दांत हैं ये कास्टिंग की जगह पे एसएस की कास्टिंग होती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। इस तरीके का ये स्टेनलेस स्टील की कास्टिंग हो जाती है। और इसके बाद में हमारे जितने भी हैमर हैं वो एसएस के हो जाते हैं इस तरीके से। जो अंदर नाइफ है जिससे फाइन हो रहा है पाउडर, वो एसएस का हो जाता है। और ये जो ब्लोअर ब्लेड है अंदर, ये भी स्टेनलेस स्टील 304 के हो जाते हैं। तो अंदर हमारा ये सब पार्ट जिससे ग्राइंडिंग हो रही है, जिससे पाउडर का असर हो रहा है, सब स्टेनलेस स्टील हो जाता है। बाहर में ब्लोअर का मेन पाइपलाइन ये स्टेनलेस स्टील की हो जाती है। इसके ऊपर का पाइप, इसके ऊपर का ये पाइप बंद, ये भी स्टेनलेस स्टील 304 में हो जाता है। इस ब्लोअर से कनेक्टेड ये बैंड, ये भी एसएस 304 में हो जाता है। इसके बाद हमारा ये साइक्लोन टैंक, ये फुल स्टेनलेस स्टील में हो जाता है। और जितने भी हमारे नट बोल्ट भी हैं जो इन चीज़ों को बांधेंगे, जितने बाहर आपको दिख रहे हैं, ये भी सब एसएस 304 के इस्तेमाल होते हैं। तो इस क्वालिटी के साथ में हम लोग फूड और फार्मा में देते हैं। दिस इज द व्यू ऑफ आवर पल्वराइजर मशीन इन फुल।
इसमें साइक्लोन डस्ट कलेक्टर मशीन चैनल फ्रेम सब कुछ एक साथ बंधने के बाद कैसा दिखता है वो आप देख सकते हैं।